हमें शूद्र समझते हैं, जब समय बदलेगा तो पता चलेगा। बीजेपी पर फिर हमलावार हुए अखिलेश यादव। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेष्टा चोपड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस की चौपाई पर उठाई गई आपत्ति से विवाद खड़ा हो गया है। विरोधी पार्टियां हमलावार हैं, वहीं स्वामी प्रसाद ने विवादों के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद भी स्वामी प्रसाद अपने बयान पर कायम दिखे, जबकि अखिलेश यादव ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी के लोग हमें शूद्र समझते हैं, समय बदलेगा तो उन्हें पता चलेगा। गोमती तट पर आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में शारीक होने आए अखिलेश यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा, आज जब मैं किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाता हूं तो बीजेपी के पेट में दर्द होता है। बीजेपी और आरएसएस एक है, बीजेपी के बिना आरएसएस नहीं है और आरएसएस के बिना बीजेपी नहीं। जिन लोगों ने मुझे यहां बुलाया उन्हें आरएसएस और बीजेपी से धमकी मिल रही है। आरएसएस और बीजेपी ने यहां गुंडे भेजे, अगर मैं किसी धार्मिक कार्य में जाता हूं तो क्या वे गुंडे भेजेंगे। अखिलेश यहीं चुप नहीं हुए, उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी के लोग हमें शूद्र समझते हैं, जब समय बदलेगा तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि ऐसी व्यवस्था उनके लिए भी हो सकती है, किसी के साथ कोई भी व्यवहार हो सकता है। बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए ऐसा कर रही है। बीजेपी सरकार ने जानबूझकर मेरी एनएसजी हटाई, आज मुझे समझ आ रहा है कि मेरी एनजीसी क्यों हटाई गई थी। अखिलेश यादव बीजेपी पर लगातार हमलावार है, राज्य की सरकार को अक्सर सुरक्षा, सड़क और शिक्षा जैसे मामलों पर घेरते आए हैं। वहीं सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद द्वारा साधु संतों पर की गई टिप्पणी के बाद जहां अपनी ही पार्टी के कुछ नेता हमलावार हो गए थे, वैसे में अखिलेश ने चुप्पी साध रखी थी। हालांकि जब शनिवार को उनसे इस मामले पर पूछा गया तो वह धार्मिक के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते दिखे। धन्यवाद दर्शकों, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ट्रिगर न्यूज।